हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों मैं भी अच्छी हूँ, बस आज है संडे तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आराध्या की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार कल से आ गया है, तो जुकाम भी है और वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आ जाओ। उसकी आज निपल खा गया चूहा, बोतल रखी थी दूध आए तो निपल चूहा खा गया और उसीलिए वो परेशान है, रो रही है कि मतलब दूध है दे दो। अब मैं उसको दूध दूँ तो दूध किसने, इसलिए वो रो रही है, परेशान कर रही है। दवाई दिलवा दी है आराध्या को, ठीक हो गई है, मतलब बुखार सही। लेकिन बच्चों को जुकाम हो जाता है, कुछ चिड़े से हो जाते हैं। और दोस्तों इधर ये बना रहे हैं चाय बनाने के लिए, दूध वगैरह इन्होंने रख दिया है उस पर। और ये आज नहा धो के अपने आप खुद से चाय बना रहे हैं, क्योंकि आज जो था मैं आराध्या की वजह से चाय नहीं बना पाई। और इसमें मैंने आम की चटनी बना के रखी थी, वो पूछ रहे थे क्या है ये, तो मैंने कहा ये आम की चटनी बना के रखी है। कह रहे ये कब तक रखी रहेगी, इसको फेंक दो। मैंने कहा ये ख़राब नहीं हो, क्योंकि इसको मैंने जैसे मुरब्बा नहीं बनाते हैं वैसे बनाई थी, तो वो ख़राब नहीं होती चाय, 6 महीना इसको रखो और फ्रिज में नहीं ख़राब होगी बिल्कुल भी, क्योंकि बाहर थोड़ा डर भी रहता है तो ख़राब नहीं होती है। और ये देखो आज ये जैसे सास होती है ना कोई वो ऐसे करती है। और देखो इलायची ढूंढने कर रहे चाय में डालने के लिए इलायची, तो मैं चाय में डालने के लिए इलायची आज मेरे घर में नहीं है, तो इन्होंने चाय में पता है तेज़पत्ता डाला है। बताइए तेज़पत्ता कौन डालता है चाय में, मैंने तो पहली बार सुना है। और ये तेज़पत्ता डाल के आज चाय सबको पिलाएंगे। और फिर उसके बाद में चाय वगैरह होने के बाद मैं आ गई थी किचन में, तो मैंने बहुत सोचा समझा क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे ये बना दी आलू की सब्ज़ी, जो दम आलू बोलते हैं वैसे मैंने दम आलू बनाए हैं। और आज आराध्या की वजह से हम सो नहीं पाए हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा मतलब नींद भी आ रही थी बिल्कुल, मेरा उठने का आज मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि रात पर सो नहीं पाया इस वजह से, क्योंकि आराध्या की तबीयत ख़राब है, उसको जुकाम हो गया है। और मुझे थोड़ा सा तेल कम लग रहा था, मसाला नहीं पक रहा था, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा डाल देते हैं। और फाइनली तेल भी मेरे घर में ख़त्म होने वाला है और मंगाना है। और एक तरफ इधर मैंने भगोने में दूध रखा है गर्म होने के लिए, और एक तरफ सब्ज़ी बना लेती हूँ तब तक। आराध्या जब बच्चे कहते हैं ना, छोटे होते हैं ना, बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि आराध्या भी छोटी बहुत ज़्यादा है, और उसको थोड़ा सा कुछ हो जाता, थोड़ी है भी ज़्यादा मतलब वैसी, थोड़ा सा कुछ होता तो रोना धोना चालू कर देती है इसलिए। और फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह छौंक दी थी, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पूछो मत। तो फिर मैं इधर चावल वगैरह मैंने सोचा थोड़ा सा चावल बना लूँगी सब्ज़ी के साथ, तो ये रोटियाँ कम बनानी पड़ेंगी, तो मैंने थोड़े से चावल भी बिन लिए थे, मतलब साफ़ कर लिए उनको बनाने के लिए, कि सब्ज़ी चावल हो जाएंगे और रोटियाँ भी बना लेंगे तो थोड़ी कम होगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मन ही नहीं करता है। वैसे तो मेरे चावल साफ़ हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा फटका लगा देती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि धूल मिट्टी थोड़ी सी भी हो तो किसकिसाहट सी आने लगती है, तो मैंने थोड़ा सा ये फटका लगा दिया क्योंकि थोड़ी सी धूल मिट्टी निकल जाए। और वैसे साफ़ है, एक आध गेहूँ मिल जाते हैं, फिर वही बात है राशन वाले चावल हैं कि वो कहाँ तक अच्छा मतलब होगा। और उसके बाद फिर ये देखिए शाम का टाइम है, इधर हमारे इधर होने लगी है बारिश, मौसम ख़राब हो गया है और बारिश होने लगी, लेकिन हुई नहीं, बस थोड़ी सी बूंदाबांदी होके और बंद हो गई। और आराध्या हमारी जो है ना वो बहुत शैतानी करती रहती है, क्योंकि देखो सारा डंडा वाइपर ये कीबोर्ड उठा के लाएँ, और इसमें एक छोटी सी तुलसी निकली थी तो चूहा खा गए। आप लोग बताना कमेंट करो कि आपके यहाँ भी चूहा तुलसी खा लेते हैं क्या? मेरे यहाँ चूहा तुलसी बिल्कुल नहीं रखते हैं। और बस देखिए इतनी बारिश होके और बंद हो गई, 10 मिनट भी बारिश नहीं हुई और देखिए बारिश होके बंद भी हो गई है, बस थोड़ा सा पिच सा हो गया है, कीचड़ हो गया। और फिर शाम हो गई थी तो फिर बारिश वगैरह बंद हुई, तो मैं आराध्या को लेके जा रही थी हॉस्पिटल, इधर हमारे अनिकेत आ गए स्कूल से, और मैं जा रही हूँ आराध्या को लेके दवाई लेने के लिए, क्योंकि इन्हें अभी मैं बैठी थी तो इन्हें बुखार भी तेज आ गया है और जुकाम की वजह से, और उल्टी भी इन्होंने कर दी, तो मैं इनको लेके हो जा रही हूँ हॉस्पिटल डॉक्टर के पास, क्योंकि इसको डॉक्टर के पास दिखा लूँगी तो आराम मिल जाएगा और ठीक हो जाएगी। बच्चे हैं फिर अगर कहीं रात में ज़्यादा हो गया, अभी हल्का फुल्का बुखार है और रात में ज़्यादा हो जाएगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। और इधर हम आ गए हैं रोड पर,
ये अभी नहीं आए हैं, गाड़ी खड़ी है हमारी ये देखिए, और हम अभी ये जाएंगे तभी इनके साथ जाऊंगी। और फिर हम आपको मिल दवाई वगैरह लेके आ गए थे, फिर हम आपको मिलते हैं अगले सुबह संडे को। तो ये आज का ब्लॉग है क्योंकि आज है संडे और मैं नहा के आ गई हूँ, झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था, तो ज़्यादा मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाया उसके लिए सॉरी। और ये दो दिन का ब्लॉग है क्योंकि दोस्तों मैं नहीं बना पा रही हूँ वीडियो, शूट नहीं कर पा रही हूँ, तो माफ़ कर देना इसके लिए, सॉरी बोलती हूँ, आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और फिर मैं नहा धो के आ गई थी और गर्मी इतनी है कि नहाए ना नहाए बराबर है हम। और बाल को मैंने ऐसे पोंछ लिया क्योंकि अभी मैं बाल में कंघी नहीं लगाऊँ, क्योंकि मैं गीले बालों में कंघी नहीं लगाती हूँ इसलिए, क्योंकि बाल टूटते बहुत ज़्यादा हैं। और बस ऐसे सिंदूर लगा लूँगी और बिंदी लगा लूँगी, बाल टूटते हैं ना तो गीले बाल में कंघी करो तो और ज़्यादा टूटते हैं, इसलिए मैं गीले बालों में कंघी नहीं करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग के भी साथ ऐसा होता है क्या, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं इसीलिए नहीं करती हूँ कंघी। और कहते हैं कि कंघी करके सिंदूर लगाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि कंघी मतलब सिंदूर लगाने के बाद तुरंत कंघी नहीं करो, बाद में करो कोई बात नहीं। तो फिर मैं सिंदूर वगैरह लगा के और नहाने के बाद तुरंत लगा लेते हैं सिंदूर, कहते हैं बिना सिंदूर लगाए नहीं रहना चाहिए। फिर मैं इधर आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए क्योंकि कपड़े भी रखे थे धुल के मैंने, ड्रेस वगैरह है हमारे हैं, आराध्या की है, बच्चों का सबके कपड़े हैं, तो मैंने कहा चलो उनको मैं डाल देती हूँ। और उसके बाद फिर दोस्तों कपड़े वपड़े डालने के बाद फिर और भी काम है, जो घर में खाना भी बनाना है, अभी बहुत सारे काम हैं, घर में काम हो ही जाते हैं चाहे जितना करो। और हम सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सब लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार बनाए रखिए। और जो लोग हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और कमेंट करके बताया करो कि हमारा ब्लॉग कैसा लगता है आपको। हम डेली ब्लॉग नहीं बना पाते हैं, कभी कभी बना पाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बोलने कभी कभी बना पाते हैं, डेली नहीं, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है बच्चों की वजह से थोड़ा सा, तो इसलिए नहीं बना पाती हूँ। तो आप लोग फिर भी अपना प्यार बनाए रखिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। संडे था तो फिर मैंने सोचा आज पैर में रंग भी लगा लेती हूँ। कहते हैं संडे को कोई भी श्रृंगार करो तो भगवान के घर में लिखा नहीं जाता है, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन ऐसा घर गांव के लोग मतलब बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं, बहुत से लोगों के मुंह से मैंने सुना है बात, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो पहले पिछले संडे को भी लगाया था और आज भी मैंने कहा चलो लगा लेती हूँ, एक हफ्ता हो ही गया है। और इधर हमारी आराध्या आ गई थी, इनको तो कुछ भी लगाओ इनको चाहिए चाहिए क्योंकि ये बहुत आगे रहती हैं सब कामों में, तो इनको भी लगाना है, कह रही है दे दे मुझसे, कह रही है दे दे इसको दे दे मुझे, अभी पीछे पीछे घूमेगी लगाने के चक्कर में पूरा वीडियो ख़राब करती है मेरा ये, इसलिए मैं और वीडियो नहीं बना रही, ब्लॉग वगैरह नहीं करती बनाती हूँ क्योंकि ये पूरा वीडियो ख़राब कर रही। देखिए मैंने अपने पैरों में उंगली से लगाया तो कितना मोटा मोटा सा लगा है, मैंने लगा लिया और पैरों में सच में कलर अगर लग जाता है ना रंग जाए पैर तो बहुत अच्छे लगते हैं, और सफ़ेद सफ़ेद सी एड़ियाँ हो जाती है वो अच्छी नहीं लगती, पर क्या करें हम लोग नहीं जल्दी जल्दी लगाते हैं। और इधर हमने फिर रख दिया था दूध गर्म होने के लिए आराध्या का, तो मैंने कहा चलो दूध गर्म हो जाएगा, और दूध वगैरह गर्म उधर हो रहा था तब तक मैंने रख दिया। फिर मैं ले आए थे मेरे घर में शिमला मिर्च पनीर रखी थी हमारे घर में, तो ऐसे मटर पनीर सा और वैसे पनीर सब बना के खा ली, अब मन नहीं करता है। और अभी मैंने आराध्या को नहलाया नहीं है, तो आराध्या ऐसे ही है, मुँह धो दिया था मैंने, इनको बुखार था इसलिए सुबह सुबह नहीं नहलाया,
तो इधर मैं आ गई शिमला मिर्च काटने के लिए, तो शिमला मिर्च काट के रख लूँगी और सब्जी बनाऊँगी आज। तो मेरा भाई बोला है कि आज मम्मी दीदी मेरे लिए चिल्ली पनीर बनाओ, तो मैंने कहा चलो भाई चिल्ली पनीर बना देती हूँ, कह रहा बहुत दिन हो गया नहीं बना है। और आराध्या बहुत से ताने खोक करने लगे हैं, तो भी बहुत चिल्लवाती हैं वो, उनके पापा जा रहे थे बाहर तो ये भी पीछे पीछे जा रही थी, और मैं इनको मना कर रही थी कि वहाँ मत जाओ। और ये कोई भी बाहर जाता है तो हमेशा पीछे लगी रहती है कि मुझे भी ले चलो बाहर, तो ये हमेशा कि आगे मतलब बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा रोती है। कोई जाएगा तो अगर ना ले जाओ तो सच में इतना रोती है, कम से कम आधा घंटा तो कान मेरे सीटी लगा लगा के कान में रोती है, कान पका देती है, बहुत ज़्यादा रोती है। तो इधर ये शिमला मिर्च हैं तो इनके मैं बीज निकाल देती हूँ, क्योंकि ये शिमला मिर्च के बीज नहीं डालते हैं, और अंदर का सारा सब जो होता है वो सब काट देती हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर का छिलका निकालती हूँ। वैसे मुझे पसंद नहीं है शिमला मिर्च, लेकिन इन लोग की वजह से खाना पड़ता है, ये लोग खाते हैं तो मैं भी खा लेती हूँ, क्या करूँ, क्योंकि खाना तो है ही, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं भगत हूँ ये नहीं खाती हूँ, खाती हूँ मगर थोड़ा बहुत खाती हूँ। इधर मैंने ये शिमला मिर्च वगैरह कट कर लिए हैं। सब्जी वगैरह काटने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, दूध गर्म हो गया था मेरा, तो मैंने सोचा चलो दूध को उठा के रख देते हैं। और यहाँ पे सब्जी भी मैंने का फ्राई कर लेते हैं, शिमला मिर्च फ्राई कर ली है मैंने, और पनीर पर फ्राई कर लिए, शिमला मिर्च डाल दी फ्राई होने के लिए। और अनिकेत के आज बाल कट गए हैं, तो बहुत छोटे छोटे बाल हो गए, तो उसे शर्म आ रही है आप कैमरे के सामने आने में, कह रहा मम्मी पापा के लिए पानी दे दो। और उसके नाना ने आज बाल कटवाए हैं ना, तो छोटे बहुत ज़्यादा ही करवा दिए हैं। और मैं यहाँ पे अब बना लेती हूँ सब्जी और रोटी जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे मेरे शिमला मिर्च भी फ्राई हो गए हैं, तो शिमला मिर्च जब तक फ्राई ना करो ना तो महक सी आती रहती है, मुझे अजीब सा स्वाद उसका लगता है खाने में, वैसे भी कोई अच्छा स्वाद नहीं होता है शिमला मिर्च, पता नहीं सबको कैसे पसंद आता है, मुझे नहीं पसंद आता, अपनी अपनी पसंद है। तो दोस्तों सारी सब्जियाँ वगैरह काट के मैंने रख के छौंक लेते हैं और फटाफट बना लेते हैं रोटी, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है खाना बनाने का, और सब लोग को भूख भी लग रही है, मुझे भी भूख मुझे खुद लग रही है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।